कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा का ईडी की कार्यवाही को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ईडी की कार्यवाही राजनीति से प्रेरित है। भाजपा हर बार चुनाव से पहले एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। यह बात उन्होंने अपने आवास पर मीडिया की ओर से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मामले में जुड़ी कंपनियों की करीब 832 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच पूर्ण किए जाने के सवाल के जवाब में कही। पिछले 10 साल से इन एजेंसियों का विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरे सवाल के जवाब में कुमारी शैलजा ने कहा कि मेरा विधानसभा चुनाव लड़ने का मन अब भी है, मैं पहले भी कई बार यह कह चुकी हूँ। वही कांग्रेस के प्रत्याशियों के ऐलान के सवाल पर कुमारी शैलजा ने कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी का काम लगातार चल रहा है। स्क्रीनिंग कमेटी अपना काम पूरा करने के बाद प्रस्ताव केंद्रीय चुनाव समिति को भेजेगी। केंद्रीय चुनाव समिति अंतिम ऐलान करेगी 3 या 4 सितंबर को। पहली लिस्ट आ सकती है। मुझे लगता है कि 5 सितंबर से पहले पहले सूची जारी हो जाएगी। अंतिम फैसला हाईकमान को करना होगा, जो हाईकमान कहेगा वही मान्य होगा। वहीं सीएम की दावेदारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि सीएम पद के लिए सभी की दावेदारी है, जब माहौल अच्छा हो तो दावेदार भी बढ़ जाते हैं। इस दौरान कुमारी शैलजा ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि 10 साल के कुशासन के बाद भाजपा को जवाब देना भारी पड़ रहा है। लोग जल्द से जल्द इस सरकार से छुटकारा पाना चाहते हैं। 9.5 साल के बाद सीएम को बदल दिया, अब नए सीएम को खुद नहीं पता कि जवाब क्या दे। भाजपा चुनाव से डरी हुई है। अपनी हार को सामने देखकर भाजपा चुनाव आयोग के दरवाजे पर जाकर चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाने की मांग कर रही है। जमीनी स्तर पर भाजपा की कोई तैयारी नहीं है। देश और दुनिया की और भी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।